जय माता दी। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधि का अनुभव होता है और विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इनकी उपासना से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्राय हम अपने मन में ही उलझे रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है और उनसे छुटकारा पाने के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए संघर्ष हम करते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाएं, चाहे किसी भी कोने में चले जाएं, आपका मन आपके साथ भागेगा। वो आपकी छाया के समान है। ये ऐसी स्थिति है जब हमारा अस्त व्यस्त मन एकाग्रचित हो जाता है। अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि मन एक प्रकार से दैवीय रूप का प्रतीक है, अभिव्यक्ति है। यह दैवीय रूप दुख, विपत्ति, भूख, यहाँ तक कि शांति में भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि सबको एक साथ लेकर चलें, चाहे खुशी हो या दुख, सब विचारों भावनाओं को एकत्रित करते हुए विशाल घंटे घड़ियाल की नाद की तरह। देवी के इस नाम चंद्रघंटा का यही अर्थ है और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। देवी चंद्रघंटा से हमको जीवन में क्या सीख मिलती है? तो वे हमें सिखाती हैं साधना। जैसे बताया मैंने, चंद्रमा शीतलता देता है, यह मन का हमारा प्रतीक है। इसलिए देवी चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि प्रत्येक परिस्थिति में हमारा दिमाग ठंडा रहे, मन सधा हुआ रहे। इस चंचल मन को साधना ही आज के दौर की सबसे बड़ी साधना है। अगर हम एक काम कर लेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी हम अपने मन को साध लेंगे तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना ही मिलना है। जय माता दी।